Subscribe to Computer TechMate's channel and press the bell icon for more computer related tech videos. Guys, हम लोग अभी तक CPU, GPU जैसे वर्ड के बारे में जानते थे, लेकिन इसमें और एक नाम जुड़ गया है AMD की तरफ से, वो है APU। और आज के इस वीडियो में APU क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, और CPU, GPU और APU इन तीनों में क्या फ़र्क है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेकमेट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों को अभी तक CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन अब इसमें और एक नाम जुड़ गया है APU, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन AMD के APU के बारे में डिटेल में जानने से पहले आपको थोड़ा GPU और CPU के बारे में जान लेना चाहिए, उसके बाद आपको तीनों में फ़र्क पता चल जाएगा। सबसे पहले CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे अब शॉर्ट में माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। और जिस तरह हम लोग का ह्यूमन ब्रेन हम लोग की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सारे इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होते हैं, उसी तरह CPU भी कंप्यूटर के सारे इंटरनल एक्सटर्नल अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को देखता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जिस तरह हम लोग बिना दिमाग के, बिना ब्रेन के कोई काम नहीं कर सकते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी CPU के बिना कोई काम नहीं कर सकता। कुछ कंपनियां जो CPU बनाती है वो है इंटेल, AMD, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि CPU काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और अगर आपको CPU के बारे में डिटेल में जाननी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक कर CPU वाला वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने डिटेल में बताया, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो जैसा कि CPU पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, उसको रखने में एक कमरा भी लग जाता था, हीटिंग इशू को अलग प्रॉब्लम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ता गया टाइम टू टाइम, और एक बड़ा सा CPU एक छोटे से चिप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन CPU सारे पर्पज़ को पूरा करने के बावजूद भी एक CPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में ग्राफिक्स देने के लिए कैपेबल नहीं हो पाया, जैसे कि आप हाई एंड गेम्स या 3D इमेजरी दिखा सकें। इसलिए GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप किया गया। अब आते हैं GPU, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक GPU आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन, आपके टैबलेट में होता है, और ये एक स्पेसिफिक प्रोसेसर होता है। इसका काम है आपके डिवाइसेस में बस ग्राफिक्स देना। जो भी आप ग्राफिक्स वाले काम कर रहे हैं, या गेम खेल रहे हो, या 3D प्रोसेसिंग कर रहे हो, वीडियो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो इन सारे कामों में, इन सारे एप्लीकेशन में ग्राफिक्स देने का काम GPU करता है। GPU स्पेशली ग्राफिक्स वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्पेसिफिक चिप्स है। जैसे आप GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, 2K 4K वीडियो प्रोसेसिंग करना हो, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग CAD एप्लीकेशन चलाना हो, CGI कंप्यूटर इमेजनरी जनरेटेड एप्लीकेशन चलाना हो, तो आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना ग्राफिक्स के, बिना GPU के ये सारे काम, ये सारे एप्लीकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। अब GPU बनाने वाली मेनली दो कंपनी है, एक AMD और एक NVIDIA। AMD का Radeon ग्राफिक्स और NVIDIA का GeForce RTX ग्राफिक्स, और इसी में अब प्रोफेशनल ग्राफिक्स AMD का Radeon Pro आता है, और NVIDIA का Quadro जो हाई प्रोफेशनल वाले ग्राफिक्स कार्ड है। और हाई प्रोफेशनल वाले ग्राफिक्स कार्ड का यूज बहुत साल पहले क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए किया गया था, उसके बाद से अब नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड का यूज किया जा रहा है। अब आते हैं APU, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। और एक APU एक स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर ही है, जिसे सारे कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन एक APU इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड GPU के साथ आता है। तो सीधे मैं कहूँ तो एक APU में आपको एक CPU और एक GPU दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिससे एक नॉर्मल CPU के कंपेयर में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को संभालने में एक APU बेहतर है। और इस APU टेक्नोलॉजी वाले चिप्स को AMD ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसे जनवरी 2011 में अनाउंस किया गया था, और उसके बाद से कुछ कुछ लैपटॉप्स में आपको ये APU वाला चिप्स देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप कहें कि APU में आपको CPU और GPU यानी ग्राफिक्स दोनों देखने को मिल जाता है, तो इंटेल का जो लोअर रेंज और मिड रेंज प्रोसेसर, उसमें भी आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक्स दिखने को मिलता है, इससे भी तो थोड़ा बहुत ग्राफिक्स काम हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि AMD का APU इंटेल के ऑनबोर्ड ग्राफिक्स जो मिलता है, उसकी कंपेयर में ग्राफिक्स वर्कलोड को संभालने में बेहतर है। इसका मतलब आप इंटेल के ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के साथ GTA 5, Fortnite, Assassin's Creed, Forza Horizon नहीं खेल सकते हैं, लेकिन AMD की APU के साथ आप भले ही CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशन नहीं चला सक रहे हैं, लेकिन आप Fortnite, Assassin's Creed, PUBG, PC, GTA 5 बड़ी आसानी से खेल सकते हैं।
अब आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, एपीयू का यूज क्यों करें। तो सबसे पहला तो एपीयू टेक्नोलॉजी के कारण आपको एक ही चिप पर सीपीयू और जीपीयू दोनों मिल जा रहा है, जिससे आपके सिस्टम के अंदर स्पेस कम लग रहा है और कंपनी सिस्टम को जितना हो सके लाइट वेट और थिन बनाने की कोशिश कर पा रही है। दूसरा, एएमडी के एपीयू चिप्स के कारण ही आपके पैसों की बचत हो रही है, आपको एक्स्ट्रा सीपीयू के साथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड खरीदना नहीं पड़ रहा है, उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तीसरा, सबसे ज़रूरी कि आपको एएमडी के एपीयू के साथ एक सस्ता लो बजट गेमिंग पीसी असेंबल कर सकते हैं और हाई ग्राफिक्स गेमिंग का मजा ले सकते हैं। चौथा, इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड के कंपेयर में आपको एपीयू ज़्यादा पावरफुल दिखता है और यह पावरफुल होने के बावजूद भी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। और पांचवा पॉइंट्स, डेडिकेटेड जीपीयू में आपको अक्सर एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन एपीयू में आपको कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती और एपीयू में बिना कूलिंग सिस्टम के भी ये ज़्यादा पावरफुल देता है आपको। और इसके अलावा एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह आप एपीयू को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने एपीयू के फायदे के बारे में तो जान लिया, अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप एपीयू के साथ एक लो बजट मिड रेंज गेमिंग पीसी असेंबल कर सकते हैं, हाई ग्राफिक्स वाले गेमिंग पीसी पर आपको एपीयू लगाकर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, सबसे पहला कि आपको एपीयू में रॉ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर नहीं मिलेगा, आप हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर, दो तीन सॉफ्टवेयर एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, उसके बाद एपीयू के साथ आप कंप्यूटर एडिटेड डिज़ाइन यानी कि कैड एप्लीकेशन और सीजीआई यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। और चौथा नुकसान यह है कि अगर आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है तो इस एएमडी के एपीयू के साथ बेसिक सीपीयू असेंबल करना या एक एएमडी वाला लैपटॉप खरीदना महंगा लग सकता है। तब आपके लिए बेटर यह होगा कि इंटेल का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड के साथ रहना या तो फिर एएमडी का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड के साथ रहना। तो फ्रेंड्स, आपने एपीयू के फायदे और नुकसान इन दोनों के बारे में तो जान लिया, अब एपीयू वर्सेस जीपीयू इन दोनों में कौन सा बेटर है। तो एपीयू एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल है, आपको हाई ग्राफिक्स देखने को मिलेगा और एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के कंपेयर में सस्ता भी है, आप एक लो बजट गेमिंग पीसी असेंबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं, एक हार्डकोर वीडियो एडिटर हैं, एक हार्डकोर डिजाइनर हैं या एक हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स चाहिए अपने वर्क स्टेशन के लिए 2D 3D प्रोसेसिंग करना है, तब आपके लिए बेटर यह होगा कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेना, आपको एपीयू के साथ हाई इंटेंसिव वर्क लोड वाला ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एपीयू और जीपीयू में कौन सा बेटर है और ये आपके वर्कलोड पर डिपेंड है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप एपीयू या डेडिकेटेड जीपीयू चूज कर सकते हैं। तो अब लेटेस्ट एएमडी एपीयू प्रोसेसर कौन कौन सा है। तो लेटेस्ट एएमडी एपीयू प्रोसेसर राइजन एपीयू लाइनअप में आएगा, 8 ग्राफिक्स के साथ आपको एएमडी राइजन 3200G एपीयू, जिसपे आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स और 3.6 GHz से लेकर 4 GHz तक क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। और वेगा 11 ग्राफिक्स के साथ राइजन 5 3400G एपीयू, जिसमें आपको 3.7 GHz से लेकर 4.2 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। और कंपनी ने राइजन 4000 सीरीज वाला एपीयू का भी अनाउंसमेंट इस सीईएस में कर दिया है और जिसे गेमिंग के लिए और भी बेहतर बनाया जा रहा है। तो जल्दी आपको अपकमिंग लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में एएमडी 4000 सीरीज एपीयू वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको सीपीयू, जीपीयू और एपीयू इन तीनों के बारे में एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि एक बंदे ने कोर i7 प्रोसेसर लगा रखा है, ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका है, लेकिन कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का या एएमडी का नहीं लगाया, इसलिए वो GTA 5 नहीं खेल पा रहा है। दूसरा जो बंदा है, उसने कोर i7 प्रोसेसर लगा रखा है, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड भी लगाया, जिसके कारण उसका अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका है, उसके बाद जाकर वो GTA 5 खेल पा रहा है। और तीसरा जो बंदा है, उसने एएमडी का राइजन 3000 सीरीज का प्रोसेसर लगा रखा है, जिसमें उसको वेगा 8 ग्राफिक्स मिला, इसलिए उसे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और वो बड़ी आसानी से GTA 5 खेल पा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीपीयू, जीपीयू और एपीयू इन तीनों में क्या फर्क है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल, जल्दी 1K तक पहुंचना है। और इस वीडियो से कोई भी सवाल मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।